उसको लेकर के इंसान तब्दीली करता है जानवरों में। यहाँ पर कुछ राम सहारनपुरी क्रॉस कर लिए हैं लोगों ने कबूतर, कुछ रामपुरी क्रॉस, इस तरीके से इधर उधर की नस्लें लाकर क्रॉस कर रहा है। लेकिन असली कबूतर जो है हमारे यहाँ पर वो सब देसी कबूतर है, मुरादाबादी देसी भुर्रे होते हैं, कलदमे होते हैं, काले बाजू के चिट्टे हैं। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं अफजल खान, आप सभी भाइयों का इंडियन हाई फ्लायर पिजन में स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में मौजूद है और माशाल्लाह जिस मकसद से हम आए यहाँ पे, आप लोगों को बेहतर मालूम है कि हम यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को असल क्या है और नकल क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग जो चीज़ का शौक करना चाहते हैं, चाहे वो रामपुरी कबूतर के हो, चाहे मुरादाबादी हो, चाहे संभल हो, चाहे सारंगपुरी हो, असल उनका वजूद होता कैसा है और उसे किस तरीके से जाना जाए, यहाँ पे आके सिर्फ यही चीज़ आप लोगों को हमें बताना है। और इस वक्त हम वसीम भाई के छत पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। और ये चाचा हैं, पुराने जानकार, इनसे भी बहुत सी चीज़ें हम लोगों को जानकारी वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले पूछना चाहेंगे, जो जैसे कि हम मुंबई से यहाँ पे आए हैं, खास करके इसलिए कि जो हमारे व्यूवर्स हैं और मैं खुद भी वो चीज़ की जानकारी लेना चाहता हूँ जो मेरे पास कमी हो। जी जी। जैसे कि हम मुरादाबाद में इस वक्त मौजूद है और ये आपकी छत है, तो जी मुरादाबादी कबूतर असल में है कौन सी? हमारे यहाँ पर असल पहचान क्या? हमारे यहाँ पर मुरादाबादी कबूतर जो मिलेंगे आपको सब देसी मिलेंगे। अब ऐसा होता है जब वक्त बदलता है तो उसको लेकर के इंसान तब्दीली करता है जानवरों में। यहाँ पर कुछ राम सहारनपुरी क्रॉस कर लिए हैं लोगों ने कबूतर, कुछ रामपुरी क्रॉस, इस तरीके से इधर उधर की नस्लें लाकर क्रॉस कर रहा है। लेकिन असली कबूतर जो है हमारे यहाँ पर वो सब देसी कबूतर है, मुरादाबादी देसी भुर्रे होते हैं, कलदमे होते हैं, काले बाजू के चिट्टे हैं। आपने जैसे कहा कि आपने सारंगपुरी का मेल दिया, रामपुरियों का मेल, जी जी, तो असल जो कबूतर थे मुरादाबाद के, क्या उनमें वो खासियत नहीं थी? नहीं, वो मैं उसकी वजह बताता हूँ, हम लोगों को इनमें मेल क्यों देना पड़ा। हम लोगों को इस वजह से मेल देना पड़ा सहारनपुरियों का, हमारे यहाँ के मुरादाबाद के कबूतर जो हैं देसी, इनकी उड़ान बहुत मीठी होती है। और यहाँ पर हमारे यहाँ मुरादाबाद में माशाल्लाह जानवर लगता है बेहिसाब, एक एक छत पर पाँच पाँच सात सात जानवर खड़े होते हैं। मीठी उड़ान का जो जानवर आता है हमारा परिंदा, उसे आराम से उठा कर ले जाते हैं। हमारी वजह ये रही है सहारनपुरियों से क्रॉस करने की कि इनमें तेजपन आ गया, तेज परे कबूतर हो गया हमारा। और रामपुरी कबूतर का मेल देने का क्या मकसद? रामपुरी जो है वो हमने सहारनपुरियों से क्रॉस करा है, उसमें ये वजह बनी, एक तो तेजी आई कबूतर में और माशाल्लाह उड़ान भी बढ़ी, उड़ान और खूबसूरती दोनों चीज़ें बढ़ी। तो आपने देखा जो भी चीज़ है हमारे वसीम भाई ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया, और मैं चाहूँगा जो मुरादाबाद की जो मेन पहचान है वो आप हमारे व्यूवर्स को और लोगों को बताएं कि ये असल में मुरादाबादी कबूतर है जिनका हम मैं दिखा देता हूँ बहुत पहले से करते हैं। जी जी, मैं दिखा देता हूँ। क्रॉस तो अब तो हर चीज़ों क्रॉस नहीं दिखाऊंगा मैं, माशाल्लाह और ही नहीं कबूतर दिखाऊंगा जो मुरादाबाद की पहचान है, जिससे मुरादाबाद पहचाना जाता है। हाँ वो चीज़, हाँ वही चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको माशाल्लाह, वही आप लोगों को दिखाई जिससे मुरादाबाद पहचाना जाता है। देसी कबूतर भुर्रों से मुँहदार हैं, चिट्टे हैं, देसी कबूतर माशाल्लाह, वही दिखाऊंगा मैं आपको। तो चलते हैं और कबूतरों का शौक करते हैं, जो कि मुरादाबाद की खास पहचान है वो भी शौक कराएंगे, और उनसे जो दूसरे कबूतरों से जैसे सहारनपुरी हो गए, रामपुरी हो गए, उनसे जो मेल लेके बने वो कबूतरों का भी शौक करूँगा, जिससे आप लोगों को उनका डिफरेंट जो है बॉडी स्ट्रक्चर जो भी चेंज हुआ है परों में, बॉडियों में, ये आपको वीडियो में मालूम पड़ जाए और असल भी आपको दिख जाए और बने हुए भी दिख जाए, तो आपका जो कन्फ्यूजिंग होगा और जो आपके अंदर जो जानकारी की कमी होगी वो आपकी पूरी हो जाएगी। जी, तो चलिए आप लोगों को शौक कराते हैं। जी, अब चलते हैं लॉफ्ट के अंदर और कबूतर दिखाएंगे असल में लॉफ्ट के बाहर ही, क्योंकि अंदर धूप नहीं है और कबूतर धूप में ही नजर आएंगे। तो आप पहले जो असल वजूद में कबूतर है, जैसे आपके चित्ते
और नफ्ते ये सब जो है वो दिखाइए आप। ये हमारी मुरादाबाद की पहचान है माशाल्लाह, गुर्रे कबूतर काले बाजों के देश। देखिए आप इनकी आंखें देखिए, ये है मुरादाबाद के देसी कबूतर जी, प्योरिटी में एकदम जो ओरिजिनल है, पहचान है, पहचान है जी। देख सकते हैं, देखिए काफी बड़ी साइज के होते हैं, बड़ी खोपड़ी के होते हैं। ये हमारे सुबह 6 बजे उड़ा हुआ है, 2 बजे बैठा है, 2 बजे बैठा हुआ है। देख सकते हैं बदन भी कितना बड़ा है और कबूतर भी कितना बड़ा है माशाल्लाह। ये तो हाँ फर्स्ट कबूतर है, और कुछ कबूतर का शौक कराते हैं। और ये हमारे सलमान भाई भी पहुंच चुके हैं। तो सलमान भाई आप भी लाइए, कुछ शौक कराइए व्यूअर्स को। और आपने रामपुरी कबूतरों के बारे में भी बहुत बताया, जरा मुरादाबादी कबूतरों के बारे में भी बताइए जरा व्यूअर्स को। देसी कबूतर, देसी कबूतर है जी। एक बार इसका फेस लुक दिखाइए जरा, ये देखिए। अब आप लोग गौर करिए भाई, बहुत से मुंबई के अंदर जब ये परिंदे आते हैं तो बहुत सी बातें ये होती कि इनमें सारंगपुरियों का मेल है। आप देख सकते कबूतर, क्योंकि मैं भी इस चीज़ की जानकारी लेना चाहता था असल में मुरादाबाद के कबूतर हैं क्या। तो ये भी मुरादाबाद का देसी कबूतर है, इसमें सारंगपुरी मेल दिया गया? कुछ नहीं, प्योर है, कोई मेल नहीं है भाई, बिल्कुल कोई मेल नहीं। आंखें भी देख सकते हैं इनकी, एक धूप में दिखाता हूँ मैं, ये माशाल्लाह आंखें देख सकते हैं, इनमें कोई भी सारंगपुरी का मेल नहीं है, लेकिन आंखें देख लीजिए, ये मुरादाबादी देसी कबूतर है असली वजूद में। इन्हें आप नफ्ते भी बोल सकते हैं, बाजू देखिए। और यहाँ पे आप क्या कहते हैं इन्हें? बाजू नहीं, ये तो देसी कबूतर है, नहीं नहीं काले बाजू, भुर्दे के काले बाजू देख सकते हैं। इन्हें जरा छोड़िए, ये देख सकते हैं कबूतर, देख लीजिए आंखें आपने देखी, एकदम सारंगपुरी कबूतरों की आंखें जैसी होती है। और ये कबूतर देख लीजिए, ये असल हालत में मुरादाबादी देसी कबूतर है, ठीक है। अभी कुछ और शौक कराते हैं आप, एक ही है सर, ये देखिए, ये भी मुरादाबादी भुर्रा कबूतर है, देसी कबूतर। इसकी पलके देखिए माशाल्लाह, इसकी डबल पलक का कबूतर, इनमें परवाज भी बहुत है, बेहिसाब परवाज। शौक करिए भाई आपको, इसलिए आप लोगों की कंफ्यूजिंग भी दूर हो जाएगी और आप लोगों को नॉलेज भी मिल जाएगी। चीज दिखाइए, डबल पलक का कबूतर, जिसे लोग बाहर डबल पलक के कबूतर, डबल पलक और देसी कबूतर है सर, देख सकते हैं पलक के ऊपर पलक चढ़ी हुई, इसे बोलते हैं डबल पलक के कबूतर। और देसी कबूतर इसे साफ लोग बाहर कहते हैं, मद्रासी क्रास या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, देसियों में भी डबल पलक के कबूतर होते हैं। बराबर। और बॉडी स्ट्रक्चर भी माशाल्लाह देख सकते हैं, बदन इनका और कुछ दिखाते माशाल्लाह। देखिए ये भी काले बाजुओं को भुर्रे कहलाते हैं हमारे यहाँ, देसी कबूतर है ये भी। साइज माशाल्लाह काफी बेहतरीन और बॉडी स्ट्रक्चर भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है इन कबूतरों का। बहुत से भाइयों के जहन में ये चीज़ डाली गई कि सारंगपुरी का मेल, जबकि इनमें कोई सारंगपुरी का मेल नहीं है। और मैंने सबसे पहले कबूतरों का शौक ही किया यहाँ पे एक आध घंटा, और कबूतरों को देखने के बाद मैंने खुद ये सवालात पूछे कि भाई इनमें ये आँखों का शौक करें, और मैंने पूछा भी अपनी कंफ्यूजिंग दूर करने के लिए कि इनमें सारंगपुरी का मेल है, तो सीधी सी जवाब यही मिली कि ये हमारे देसी कबूतर है, इनमें कोई मेल नहीं है, एकदम प्योर असल हालत में, जो कि मुरादाबाद की पहचान है। तो आप शौक करें, देख सकते हैं लंबी गर्दन, ये तीनों कबूतरों का शौक कराए आपको, तीनों असल हालत में मुरादाबाद की जो पहचान है। काफी पुराना कबूतर लग रहा है ये कबूतर माशाल्लाह, हमारे यहाँ 8 साल से उड़ता चला रहा है, 8 साल से उड़ता हुआ और हर बार पार में ही बैठता है। अच्छा, काफी बड़ी साइज में माशाल्लाह। देखिए आप,
इसे भी आप भुर्रे काले भुर्रा कबूतर देख सकते हैं। भुर्रे कबूतर को यहाँ भुर्रा कबूतर कहा जाता है, काले पर के। ठीक है, माशाल्लाह हमारे शाहिद भाई हैं जी, जी शाहिद खलीफा जी, उनकी यहाँ की नस्ल है मको चिट्टो की, मुरादाबाद जी, मुरादाबाद की घर की नस्ल है उनकी, ऐसा नहीं है कहीं से आए हुए हों या कुछ। और तो माशाल्लाह इनका मैं शौक धूप में कराऊंगा क्योंकि बहुत प्यारी आईज है, मैंने शौक पहले ही इस कबूतरों का किया है। इसकी आंख आपको धूप में दिखाते, एकदम नीली आईज नजर आती है इसकी, देख सकते नीली आईज एकदम है, बहुत बेहतरीन कबूतर है माशाल्लाह। ये चिट्टे कबूतर है, ये मादी है, ये मादी है, ये देख सकते हैं मादी की आईज। ये सब मुरादाबाद के आपको कबूतरों का शौक करा रहे हैं, ये एक ही नस्ल के हैं पूरे कबूतर जो आपको अभी दिखाए जा रहे हैं। ये हमारे शाहिद खलीफा हैं, आंखें देखिए माशाल्लाह, देखिए खूबसूरती देखिए, लंगोट काले हैं, असली मुरादाबादी कबूतर देख सकते हैं, ये पहचान लीजिए आप चिट्टे कबूतर, काली आंख में मको कबूतर। और इनमें जो सफेद आंख के होते हैं, ये देख सकते हैं सफेद आंख के चिट्टे कबूतर, इनका साइज देखिए, साइज बदन सब एकदम देख बहुत। तो ये है मुरादाबादी असल कबूतर जो कि आपको शौक कराया जा रहा है। अलग अलग कलर के कबूतर हैं इनमें और देसी कबूतर है टोटल मुरादाबाद के। और ये पूरा लॉफ्ट देख सकते हैं, अब लॉफ्ट में ही दिखा देते हैं और भी जो शौक कराना है, क्योंकि इनमें कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि भाई ने बताया सारंगपुरी और रामपुरी कबूतर भी इनके पास मौजूद है, जिनसे ये अपने कबूतरों में मेल दे रहे हैं और उनके अंदर तेजी और रफ्तार ला रहे हैं। ये देख सकते रामपुरी कबूतर और ये सलमान भाई की, देखिए पर देखें और इसका वजूद देखें, कलर देखें, और जिन कबूतर सारनपुरी कबूतर जो बने हैं जी जी, सारनपुरी और केडी और बोर्डर जितने भी होंगे बने रामपुरी, सारनपुरी कलसिरे कह लो, देखा रामपुरी टेडी कह लो, देख सकते सारे कबूतर माशाल्लाह, देसी कबूतर है ये, देख सकते ये मुरादाबाद का देसी कबूतर है, और वो तो लग रहा है मुरादाबाद का सबसे फेमस कबूतर होगा इसके एकदम, नहीं नहीं एकदम एकदम पीछे की तरफ जो है ये सबसे सबसे, ये तो ऑल इंडिया का देसी कबूतर है। अब मैं दरबों में जितने कबूतर है वो आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि इतने कबूतर है कि टाइम भी कम पड़ जाएगा और शौक भी पूरा नहीं दिखा पाएंगे। सारंगपुरी कलसिरे चित्ते देख सकते हैं माशाल्लाह, कलंच में ये सारा ब्रीडिंग सेटअप है, कोई 2x2 का केज नहीं है, नॉर्मल से केज है, सिर्फ ये बड़े साइज के जो जोड़े अंडे बच्चे कराने के लिए रखे उनके लिए थोड़ा बड़ा केज किया गया है। ये हमारे फैजान भाई की यहाँ की पट्टी है जी जी, ये माशाल्लाह पूरी नस्ल उड़ती है। और इसकी आंखों का मैं शौक करूंगा, शायद आप बोलेंगे कि ये बॉर्डर वाली कबूतरी अपना या सियालकोटी में या बटेरों में ये चीज आप बताएंगे, लेकिन ये असल में मुरादाबाद की नस्ल है, रामपुरी क्रॉस है, रामपुरी अच्छा जी। और ये बहुत लंबे टाइम आपके इधर उड़े इनके जो कि दादा, क्या बात है, कबूतर देख लीजिए, शौक कर लीजिए, वीडियो काफी बनानी है मुरादाबाद में भी हमें, आप शौक कर लें ये सारे कबूतरों की। सारंगपुरी काले भी है, सफेद भी है, रामपुरी भी है और मुरादाबादी देसी कबूतर भी है। एक पट्टे का जोड़ इसमें बॉर्डर वाला नजर आ रहा है जो अभी रिसेंटली इन्होंने मंगाया है। और ये माशाल्लाह देखिए, ये कलपरे कलदुम्मे कबूतर, ये फीमेल है, ये इसमें भी जैसे सारंगपुरी झलक दिख रही है, लेकिन सारंगपुरी है, हाँ ये सारंगपुरी और
ये कबूतर, इसका मेल देख सकते हैं, काले बाजू का, काली धूम का, एकदम जेट ब्लैक, बहुत ही बेहतरीन कबूतर। मैंने शौक किया इस कबूतरों का, बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह, बेहतरीन शौक करने को मिला मुरादाबाद में भी आके, और पसंदीदा कबूतर देखने को मिले यहाँ पे नफ्ते घौरे कलपरे कद्दू में। एक बहुत ही बड़े साइज का मैंने नीलदुम्मा कबूतर भी यहाँ देखा, वो शायद अभी नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए माशाल्लाह, चीज क्वालिटी देखिए माशाल्लाह, गजब के कबूतर भाई। अब इनको बोलेंगे सारंगपुरी के मेल दिए, ये असल मुरादाबादी कबूतर है, सारंगपुरी का मेल है, देख सकते हैं भाई। जो मेल दिए हुए उनके बारे में भी क्लियर बता दिए, और जो प्योर असल हालत में वो भी बता दिए। इसके साथ जितना बड़े साइज का नर है उतनी शॉर्ट साइज की फीमेल है। तो ये थे मुरादाबाद के कबूतर आमिर भाई के छत पे, आप लोगों को शौक कराया गया, आपको शौक फाइनली इस छत का हमने आपको शौक कराया। और मुरादाबादी कबूतर असल में है क्या, और उनमें अगर किसी का मेल दिया गया है तो क्यों दिया गया है, किस लिए दिया गया है, ये भी इस वीडियो में आप लोगों को बताया गया। और वसीम भाई कुछ व्यूवर्स से कहना चाहेंगे आप? तो माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक करने को मिला यहाँ पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।